घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। कोई अधिकारी नहीं है, लोग बेचारे गांव से दूर दूर से लोग आते हैं। देखो कहां है, देखो ऐसी जन सुनवाई हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है कि हमने जनसुनवाई में इतने कागज दिए, ये इनके साथ शोषण हो रहा है। एक भी कागज बता दे ये जनसुनवाई वाले, ये तो खाना पूर्ति के लिए जनसुनवाई कर रहे हैं। आम जनता अभी बैठी हुई है, आप देखो गांव से आ रहे लोग किराया भाड़ा करके आते हैं, वही अधिकारी देखना आप। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मंगलवार को जनसुनवाई में आपका काम होगा, ये होगा? आप पूरी खिड़के देखो, अपर कलेक्टर जी कहाँ है, कलेक्टर साहब कहाँ है, ये मुका है, ये श्रम विभाग वाले किधर है, किधर है श्रम विभाग वाले? आप बताओ, ये लेटर लिखा कितना तारीख का है इसका लेटर? 21/3/2024। इस पे क्या कार्रवाई है क्या कार्रवाई कुमार क्या बताओ? अब देखो ये ऐसे गांव वाले बेचारे, इसको बंद कर दो, जल सुनवाई को बंद कर दो। जब आम आदमी के लिए ये रखी हुई है तो आम आदमी को सम्मान देना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एक भी अधिकारी देख लो, अभी बहुत कम अधिकारी आए होंगे। ये भैया देखो, ये हमारा ये इतने कागज जन सुनवाई में दिए, क्या कार्रवाई हुई? खंडवा के बेरोजगारों को लूटा जा रहा है। अरे तो है ही नहीं, तो शुरू से ही अधिकारी कोई बैठा नहीं, कौन बैठा था? खाना मुंडी हो रही है, कुल मिला के इसको बंद किया जाए जनसुनवाई को। यहाँ आम आदमी कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई बोलने वाला भी नहीं है शहर। अभी आप देखो कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर खड़े हैं। ये कितने दिनों में तुमको तुम्हारा क्या काम नहीं होगा? अब पानी भरा रहे किसान है, इनकी समस्या के सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। ये देखो आजकल तनखा समय पे नहीं मिल रही है, शोषण किया जा रहा है और मार रहे हैं। तनखा के लिए बोलते हैं कि हमको बुलाया था, किसी को नौकरी का लगा दिया जा रहा है। कहाँ का मसला है ये सरकारी हॉस्पिटल है? कम से कम लेटर लिखे सर, कलेक्टर साहब को भी पूरा मालूम है। अब सर ये जनसुनवाई में ना कोई अधिकारी है ना कहीं है, तो सर कैसी जनसुनवाई चलेगी? अरे बुलाते हैं वो सर, ये बताओ इनको बच्चों को खंडवा में भाई साबुले कौन है? ये भाई साबुले कौन है? क्या दिक्कत है बताओ? क्यों सेम जो कौन ये करता है? राजू सर ने मीडिया में भी कहा था कि 17/1 को मिल जाएगी, तो डील ये करेगा ना, श्रमिक श्रमिक को गुमराह किया जा रहा है केवल। कलेक्टर साहब को सुन नहीं रहे, चलो डील से बात करते हैं। वो धमकी दे रहे हैं आम लोग, लड्डू का डेट का नंबर है क्या? नंबर सुनवाई में अब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे हम? ये आम आदमी परेशान हो रहे हैं, 400 लड़के परेशान हो रहे हैं। 70-80 किलोमीटर से जन सुनवाई में लोग आते हैं और यहाँ आके खाली हाथ जाते हैं, किराया कितना महंगा हो गया? खंडवा के बेरोजगार लोगों का शोषण हो रहा है सर, बेरोजगार लोगों का शोषण हो रहा है। कोई धमका वो परिसर में दारू पी रहा है, दारू पेट के दारू पी रहा है और इनको बोल रहे मैनेज को, इनको 2000 रुपये तनख्वाह डाली तो इस महीने काट ली, तो चुनाव में पहले डाली तो वोट दे देंगे और फिर काट ली। लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हो रहा तो ये सरकारी खर्च को बंद निकालने के लोगों के साथ भ्रष्टाचार, सर आम खंडवा के बेरोजगार लोगों को लूटा जा रहा है, जवाबदार है। Gracias.
मिला साल भर का जो लीवरेज मिलता है छुट्टी का पैसा वो नहीं मिला बोर्ड पे केस लगाया है इसने लगाया है अपन नहीं लगाया है कितने दिनों में उसको लगाया एक साल होगा उसको कोई निराकरण नहीं लेकर देते देते एक साल होगा अरे वो अरे उसको तो सुनो कार्रवाई करता है उसको तो सुनो अभी लगाया क्या अभी लगाया है कितने दिन होगा इन्होंने शिकायत तो बहुत पहले करी थी निराकरण तो वही कुछ इसका निराकरण इनका कुछ नहीं हो रहा है प्राइवेट कंपनियां ठेकेदार पद्धति के लोग आए दिन इनको लूटामारी कर रहे हैं और आगे जनसुनवाई क्या व्यवस्था देख लो क्या व्यवस्था है यहाँ पर आते कर्मचारी गायब हैं और कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है वो तो हमारे एडीएम साहब मिल गए थे उन्होंने हमारी बात नहीं है नहीं तो बहुत दिक्कत है अंधकार मचा हुआ 400 लोग बाहर बैठे हुए हैं पर कोई सुन सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द सुबह को बंद करा जाए और इनको वार्ड वार्ड भेजा जाए हर वार्ड में बैठो और अपनी समस्या का निराकरण चल मुन्नू इनको इस विषय को लेकर आया देखिए जन सुनवाई के नाम पर लोगों के साथ शोषण हो रहा है आपने देखो कि मैं इस पर 10 बजे 11 बजे से इस पर नज़र लगा के रखता हूँ अधिकारी एक बैठता एक उठ के जाता है एक बैठता और अभी कलेक्टर्स महोदय यहाँ पर है नहीं है बड़े अधिकारी कोई है नहीं विभाग वाले अधिकारी कोई है नहीं इस तरीके की जन सुनवाई होगी आज 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दायरे से लोग आते हैं आस लेकर कि हमारी जनसुनवाई में हमारा काम होगा लेकिन वो यहाँ आके देखते हैं तो ये साफ नहीं है वो साफ नहीं है पूरा उनको आश्वासन मिलता है वो बेचारे दुखी होकर यहाँ से लौटते हैं तो मैंने आज जाकर वास्तविक स्थिति जानी तो आप मीडिया वाले थे आपने देखा कितनी कुर्सियाँ खाली क्या मामले थी अभी मामला था आउटसोर्स कर्मचारी जो खंडवा हॉस्पिटल वाले हैं लोग उन लोगों के साथ शोषण हो रहा है 2 साल से उनके साथ शोषण हो रहा है लेकिन कलेक्टर साहब को इतने निवेदन देने के बाद कर्मचारी संघ को इतने देने के बाद श्रम विभाग को देने के बाद उस पर कार्रवाई नाम पर 0/0 कोई ठेकेदार दारू पीकर इनको चमका रहा है हॉस्पिटल परिसर में दारू पी रहा है ठेकेदार अगर वो नियम सबके लिए है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR की जाए और मेरे ये जो युवा साथी हैं खंडवा के जो ये बेरोजगार है जिनको रोजगार के नाम पर इनके साथ छल किया जा रहा है इनका शोषण किया जा रहा है ये शोषण तत्काल बंद हो नहीं तो इनकी ईंट से ईंट और बजा देंगे हम इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका देकर 18,000 रुपये तनख्वाह है और इनको 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती ये कौन सी न्याय संगति की बात है खंडवा तो भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बन चुकी है यहाँ पर आए दिन जिसका मन होता है वो लूट के चले जाता है आप देखिए यहाँ के अधिकारी काम करने की कोई इच्छा नहीं है उनकी इतने इतने अगर कागज हो जाते उसके बाद भी काम नहीं हो रहा तो ये किसकी लापरवाही है यहाँ का सत्ता प्रशासन यहाँ के जनप्रतिनिधि सब सोए लेकिन विपक्ष
जागा हुआ है और आम पब्लिक आम इंसान के साथ विपक्ष कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जो ये कोई भी हो, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, लेकिन जनता उसको सबक सिखाएगी और जनता के साथ हम खड़े हैं। अगर जनता के साथ कुछ अन्याय होगा तो सबसे पहले विपक्ष खड़ा होगा और उनकी मांग को पूरा करेगा। ठेकेदार ये बताएंगे, ठेकेदार का क्या नाम है? बॉबी डोनावत, मैनेजर है। ये एजाइल के कर्मचारी है हम, मेडिकल कॉलेज नंद कुमार सिंह चौहान। बताओ क्या मामला? मामला ये है कि हमें यहाँ पर हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, हमें समय पे ना तो तनख्वाह दी जाती है और ना ही लीव वेजेस प्राप्त होता है। इसके पूर्व में भी जो कंपनी थी सभी कर्मचारी वही थे, पर हमें ना मतलब बोनस भी बहुत लेट दिया गया और लीव वेजेस भी बहुत लेट दिया गया, जिसका शिकायत हमने टीम को भी दी थी और कलेक्टर ऑफिस में भी दी थी, परंतु हमारी समस्या का निराकरण आज दिनांक तक नहीं हो पाया। कलेक्टर साहब ने मुलाकात भी करी थी, आप लोगों ने मुलाकात करती आश्वासन दिया था क्या उसके बाद? कलेक्टर साहब ने 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन में आपकी कटी हुई तनख्वाह मिल जाएगी, पर आज दिनांक तक हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। केवल हमें एक दूसरे के अधिकारी के पास भेजा जाता है और हमको गुमराह किया जाता है कि आज आ जाएगी कल आ जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें समय पे तनख्वाह मिले और समय पे लीव मिले, सारी चीजें समय पे हो जिससे श्रमिक का शोषण ना हो। ये नवीन सैनी है, नवीन सैनी ये फोटो क्या गवर्नमेंट प्लेस में दारू पीते हैं, क्या बोल रहे हैं? ये लोग तो हमें प्रताड़ित करते हैं, इसने इसके पूर्व में भी बहुत प्रताड़ित किया, इसके पहले मैंने मतलब थाने में भी रिपोर्ट डाली है इसकी, परंतु इसकी समस्या का थाना प्रभारी द्वारा भी इसका कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? अक्षय यादव। क्या करते हैं आप? मैं हाउसकीपिंग करता हूं। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करें चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।